नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फोर नेशन में और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। कहते हैं भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास कर पूरी कर अयोध्या वापस लौटे थे तब पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से नहा दिया गया था। और ठीक दीपों की ही अगर बात करें तो कई तरह के दीप जो हैं बाज़ारों में उपलब्ध है। हालांकि कुम्हार समाज के द्वारा दीपों का निर्माण जारी है, लेकिन इसी बीच एक अनोखा दीप की हम बात करेंगे। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे दीपों में भी परिवर्तन आता गया और अब कई तरह के दीप जो हैं बाज़ार में उपलब्ध है। हम आपको दिखाएँगे कि दीपों के बदलते स्वरूप को हम आपको हाथों में अपने हाथों में दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं कि ये चाइनीज़ दिया है जो कि तेल और घी से नहीं बल्कि पानी यानी कि पीने वाले पानी से जलता है। हालांकि हम आपको जो यहाँ के ये देखिए ये पानी बंद हुआ, ये दिया बुझ गया। देखिए ये लाइव डोमो आपको दिखा रहे हैं। देखिए और ये देखिए अब इसमें पानी डाला जा रहा है। क्लोज करके दिखाओ, क्लोज करके। और ये देखिए पानी में वोल्टेज आ गया, तो देख सकते हैं थे कि लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं पारस जी हमें, जो दुकानदार यहाँ है कि उन्होंने साफ तौर पर लाइव डेमो करके दिखाया। और हम इनसे ही बात करते हैं कि जी बताइए कि ये दिया जो है कैसे मतलब कब से बाज़ार में उपलब्ध है? ये इसी साल आया है, पिछले साल था मगर बहुत ही लिमिटेड वे में था। इस बार इसमें कई स्कोप आ गए हैं, जैसे ये जल दिया आ गया है, मोमबत्ती भी आ गई है, कमल का फूल भी आ गया है जो पानी में ही चलते हैं, पानी में ही खेलते हैं। तो क्या इसकी बिक्री कैसे है? जैसे मिट्टी के दिए हैं उसकी अपेक्षा इसकी बिक्री कैसे है? नहीं, मिट्टी के दियों के देखिए, मिट्टी के दिए तो ओरिजिनल होते हैं, उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो हमारी मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ, हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, डेकोरेटिव के मुकाबले में कह सकते हैं कि हाँ, इनका ज़्यादा अच्छा प्रचलन आ रहा है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आके नाम लेके पूछे भैया वो पानी वाला दिया चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है, इसमें आपका खर्च कुछ भी नहीं है, एक प्लास्टिक का दिया है, सेंसर लगा हुआ है, बैटरी अंदर लगी हुई है, केवल आपको पानी डालना है। पानी अपने आप उड़ने वाली चीज़ नहीं है, एक बार आपने डाल दिया 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लगातार वो चलता रहेगा। पानी ख़त्म हो जाए, पानी ख़राब हो जाए, पानी बदल दीजिए, वापस चालू हो जाता है। क्राइसिस में है, आउट ऑफ स्टॉक तो अगर देखिए, अगर हम लोग के आउट ऑफ स्टॉक होगा फिर तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हाँ क्राइसिस में है, माल पूरा नहीं हो पा रहा, आता नहीं उससे पहले उड़ जाता, आता नहीं उससे पहले उड़ जाता है। कस्टमर बहुत चाव के साथ, हाँ हाँ कस्टमर इसको मतलब मैंने बताया ना, चॉइस करके मांग रहे हैं भैया पानी वाला दिया चाहिए। अच्छा, ये दिया कैसे चलता है? ये मोमबत्ती है, ये बैटरी ऑपरेटेड रहती है, ये ऐसे हम लोग अब जैसे मोम वाली मोमबत्ती जो कि थोड़ी प्रदूषण भी करती है, हालांकि अभी हम प्रदूषण कहेंगे तो लोग बहुत तरह के लोग बोलेंगे कि भाई हमारी आस्था जिससे होती है उसमें आप आके जलती है, फिर वैक्स भी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो नेचुरल उसमें गड़बड़ हो रही है। अब ये एक प्लास्टिक का है, प्रदूषण इससे भी है, लेकिन इसमें देखिए ये बैटरी से है और ये जब जलता है तो देखिए अपने आप ही इसकी लॉ अपने आप फ्लेम अपने आप मूवमेंट रहती है। दूर से अगर देखिए अंधेरे में देखिएगा तो लगेगा जैसे सच्ची की मोमबत्ती जल रही है और उसकी लॉ चारों तरफ घूम रही है। ये इस साल एक नई आइटम आई है मून लाइट के नाम से, और मून लाइट का अर्थ हुआ ये जैसे चांद है, चांद में जैसे कई चांद की सतह जो उबड़ खाबड़ होती है उसी ढंग से इसको फ्रेम किया हुआ है। यदि इसको हम लोग टच करेंगे, ये टच करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए जितनी बार हम लोग इसको टच करेंगे उतनी बार इसका कलर चेंज होगा। देखिए एक कलर, इसमें 16 कलर आते हैं, ये आप इसको टच करते रहिए अपने आप कलर इसके बदलते रहेंगे। तो आपने देखा कि कई तरह आइटम आई हुई है, आपको मैं आपको दिखाऊँ। इस बार एक ये इस बार देखिए एक सोलर लैम्प आया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, ये शीशे का जार है, इसको हम अपने घर में कहीं भी डेकोरेटिव के तौर पे ड्राइंग रूम में कहीं भी लटका सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं डेकोरेटिव। देखिए अभी ये ऑन किया हुआ है, देखिए ये मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और देखिए लाइट जल गई है, ये हाथ हटाया लाइट बंद गई। इसका अर्थ क्या हो, ये सोलर पे है, रात में जब अंधेरा होगा, रात में जब आप अपने कमरे की बत्ती बंद करते हैं तो ये अपने आप जग जाएगा, सुबह में जैसे ही उजाला होगा इसकी लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, ये सोलर से है, नेचुरल पावर, सूर्य की रोशनी से अपने आप को रिचार्ज करता है और वापस उसी को आगे बढ़ाता है। तो आपने देखा कि किस तरह तरह के आइटम जो हैं दीपावली पर मंगाए गए हैं। हालांकि चाइनीज़ ये जो चाइनीज़ दिए हैं वो मंगाए गए हैं जो कि पानी से जलता है, और ये मोमबत्ती जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसे आप बैटरी से ऑपरेट करके इसे जला सकते हैं। और ये मून लाइट जो है, मून लाइट भी आप ये भी बाज़ार में है, और ये सोलर लाइट है। तो आप कह सकते हैं कि तरह तरह की जो है दीपावली में इस बार मोमबत्तियाँ और दियों की मांग जो है बढ़ी हुई है, और तरह तरह के आइटम जो है दीपावली पर मंगाए गए हैं और ग्राहक इसे बहुत ही चाव से खरीद रहे हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये
जो चाइनीज दिया है, जो जो पानी से जलने वाला दिया जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।